मॉर्निंग सेवंथ क्लास, होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। येस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड चैप्टर 4, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट हेल्थ। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ केयर services. The public health care services is a chain of health centers and hospitals run by the government. As you know, कि जो सारे health care centers होते हैं और hospitals होते हैं, that are conducted by, run by government. Second is, it is mean to provide a quality health care service, either free or low cost, that इवन अ पुअर कैन सीक अ ट्रीटमेंट। यानी कि बहुत ही चीप रेट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, या तो इनकी सर्विस फ्री होती है या जो इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, जिससे जो गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एज वेल एज इन अर्बन एरियाज, ये दोनों जगह होती हैं। जो विलेजेस में होते हैं वहाँ डिस्पेंसरीज होती हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, और सिटीज़ में भी ये दोनों ही टाइप के पाए जाते हैं। पीपल यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज इन पब्लिक हॉस्पिटल्स। हाँ जी, ये तो है प्रॉब्लम कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और वहाँ पे हमें लंबी लंबी क्यूज़ में, जैसे आप कभी सिविल हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो वहाँ पे देखा होगा कि हमें ट्रीटमेंट कराने के लिए लंबी लंबी क्यूज़ में लगना पड़ता है। सो ये था पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज आर नॉट ओन्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के नहीं है ये, पर्सनल ग्रुप ऑफ पीपल ने या किसी इंडिविजुअल ने अपने हॉस्पिटल्स अपने ही मनी से खोले होते हैं। दीज सर्विसेज रन फॉर प्रॉफिट, इसका मेन मकसद ही क्या होता है, टू अटेन मोर एंड मोर प्रॉफिट। इसका कॉस्ट है जो इसके उसकी इलाज की बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड पॉइंट इज़, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर कंसंट्रेटेड मेनली इन अर्बन एरियाज़। जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मोस्टली वो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सिटीज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं एंड विलेजेस में बहुत रेयर मिलते हैं। पीपल डू नॉट फेस प्रॉब्लम इन प्रोवाइड हेल्थ केयर सेंटर्स, इन प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, एक से एक एडवांस आपको वहाँ पे मॉडर्न फैसिलिटी मिलेगी, जिससे आपको वहाँ कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। बस एक ही होती है, जो आपका इतना बड़ा बिल होता है। अब इसके बाद बेटा, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आफ्टर दिस यू हैव टू एक्सप्लोर ऑन पेज 181, बुक में आपका 181 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज इन योर एरियाज। जो आपके अपने एरिया हैं, वहाँ पे आपने ये कॉलम फिल करने हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज क्या है और वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज क्या हैं, कॉस्ट क्या है अराउंड, मतलब जो भी होती है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज क्या है। तो इसके बाद आपने ये इसको फिल करना है, ये आपका एक्टिविटी वर्क है। आप किसी से भी डिस्कस करके, यानी कि हॉस्पिटल में जाके आप पता करेंगे, डिस्कस करके आप ये कॉलम फिल कर सकते हो। होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।